पानी विवाह भवन 0 mile NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वार ताकि अंदर से ले बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस मैसेजिंग ऐप ने डेस्कटॉप पर वॉइस एवं वीडियो कॉल सुविधा को शुरू कर दिया है? ए व्हाट्सएप, बी फेसबुक, सी ट्विटर या डी इंस्टाग्राम। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चल रहे कार्यों का जायजा लेने जिलाधिकारी पहुंचे सैंडिस कंपाउंड। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत भागलपुर में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन स्मार्ट सिटी परियोजना के अधिकारियों के साथ सैंडिस कंपाउंड मैदान, बूढ़ा नाथ और भैरवा तालाब पहुँचे। इस दौरान डीएम ने सैंडिस कंपाउंड मैदान के पूरे परिसर में चल रहे कार्यों का बारीकी से निरीक्षण किया और काम में तेजी लाने का दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने कहा कि प्रधान सचिव के द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत भागलपुर में चल रहे कार्यों की अद्यतन जानकारी मांगी गई है। साथ ही स्मार्ट सिटी भागलपुर पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त करे, इसको लेकर सभी अधिकारियों को बेहतर कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही जिलाधिकारी ने कहा कि भैरवा तालाब को वाटर पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां लोग पूरे परिवार के साथ बैठकर आनंद उठा सकेंगे। निरीक्षण के दौरान स्मार्ट सिटी परियोजना के सीईओ सहित कई अधिकारी मौजूद थे। काम भागलपुर नगर निगम क्षेत्र में चल रहा है, उसमें कई और नए प्रोजेक्ट्स भी लिए जाने हैं, तो जैसा प्रधान सचिव महोदय का निर्देश है उसी के आलोक में आज हम लोग घूम करके देख रहे हैं और जो भी नए प्रोजेक्ट्स लिए जाने हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स जो पाइपलाइन में हैं, DPR तैयार हो रहा है, तो उस दिशा में भी हम लोगों ने जो एजेंसी है, कंसल्टेंट है या स्मार्ट सिटी के CEO एवं उनके अन्य पदाधिकारी हैं, सबको हम लोगों ने निर्देश दिया है कि समयबद्ध तरीके से सभी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कराया जाए ताकि शहरवासियों को सुविधा मिल सके और एक भागलपुर स्मार्ट सिटी की पहचान पूरे देश में बन सके। गेट का निर्माण है, एक ग्रैंड लुक आएगा आपका। सैंडिस कंपाउंड में कई कंपोनेंट्स में काम चल रहा है, सब में पैरेलली हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक गेट भी बनना है उसको लेकर के बात हुई है और रोड और गेट के बीच का जो स्पेस है उसको कैसे बेटर यूटिलाइज़ किया जाए उस पर भी बात हो रही है कि साइकिलिंग के लिए ट्रैक बने, पैदल चलने वाले लोगों के लिए अलग व्यवस्था हो, हम लोग कैसे वहाँ पे गार्डन विकसित कर सकें। इसके अलावा जो स्ट्रीट पे जो लोग सामान की खरीद बिक्री करते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए क्या कियोस्क की व्यवस्था की जाए, इन सारे बिंदुओं पर बात हो रही है। हम लोग इस दिशा में भी पर्याप्त प्रयासरत हैं कि इन स्कीम्स में भी जल्द से जल्द काम शुरू करें। भैरवा तालाब को हम लोग डेवलप करेंगे, उसकी एक यूनिक पहचान रहेगी, उसको इस तरह का हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं कि उसमें वाटर स्पोर्ट्स, बच्चों के लिए किड्स जोन रहे, जो यूथ है उसके लिए कई एक्टिविटीज़ की सुविधा वहाँ हम लोग दे सकें। इसके अलावा फैमिली के लिए अलग जोन बने, लेजर एंड लाइट साउंड और भी अन्य जो बोटिंग वगैरह ये सब होता है, तो चूंकि वो काफ़ी 25 एकड़ में फैला हुआ वो पूरा क्षेत्र है, 22 एकड़ तो सिर्फ उसमें जल निकाय ही है जिसमें कि पानी अभी कह सकते हैं कि पानी नहीं बचा है काफ़ी क्षेत्र में, तो उसको उसका हम लोग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और एक बड़ा स्कीम हम लोगों की कोशिश है कि भागलपुर में भैरवा तालाब के डेवलपमेंट के रूप में आए। नवगछिया SP ने थानाध्यक्ष के साथ की मासिक अपराध गोष्ठी, दिए कई निर्देश, कहा पंचायत चुनाव को लेकर असामाजिक तत्वों पर निरोधात्मक एवं अपराधियों पर होगी CCA की कार्रवाई। नवगछिया के न्यू पुलिस लाइन परिसर में शुक्रवार को SP सुशांत कुमार सरोज की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। अपराध गोष्ठी में बीते माह घटित आपराधिक घटनाओं की समीक्षा SP ने पुलिस पदाधिकारी से की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उन्होंने पुलिस पदाधिकारी को लंबित कांडों का निष्पादन
तेजी से करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपराधी घटनाओं में फरार चले अपराधियों की भी गिरफ्तारी करने का निर्देश पुलिस पदाधिकारी को दिया। एसपी ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। एसपी ने कहा कि पंचायत चुनाव नजदीक आ गया है, इसके साथ ही होली और महाशिवरात्रि त्योहार भी सामने में है, इसको लेकर विशेष सतर्कता की जरूरत है। एसपी ने पुलिस पदाधिकारी को पंचायत चुनाव के मद्देनजर अपने अपने क्षेत्र के बीडीओ से समन्वय स्थापित कर तैयारी शुरू कर देने का निर्देश दिया है। चुनाव के मद्देनजर सभी थाना अध्यक्ष को अपने क्षेत्र की हर गतिविधि पर निगरानी करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व जो पंचायत चुनाव के दौरान विधि व्यवस्था प्रभावित कर सकते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही थाना क्षेत्र के अपराधियों पर सीसीए की कार्रवाई के लिए अपराधियों की सूची व प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया है। वहीं बताते चलें कि अपराध गोष्ठी में समीक्षा के दौरान एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पुलिस जिले के सभी थाने के कांडों के निष्पादन, गिरफ्तारी और विधि व्यवस्था में रंगरा ओपी को सबसे अव्वल पाया है। एसपी ने कहा कि बीते माह में हुए कार्य में रंगरा ओपी में सबसे बेहतर कार्य किया गया है, जबकि खरीक थाना दूसरे एवं परवत्ता थाना तीसरे स्थान पर है। एसपी ने पुलिस जिले के सभी थाना के थाना अध्यक्ष को कार्य में तेजी लाते हुए कांडों का निष्पादन करने का निर्देश दिया है। पालपुर नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई के उप निर्देशक ने अपने सहयोगियों के साथ गंगा नदी के तटीय इलाकों का लिया जायजा। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई की उप निर्देशक नीता शाह ने अपने सहयोगियों के साथ शुक्रवार की सुबह को नौगछिया अनुमंडल के गंगा व कोसी के तटीय इलाकों का जायजा लिया। उप निर्देशक ने इस दौरान गंगा व कोसी नदी के कटाव से विस्थापित हुए ग्रामीणों, जलीय जीवों व पक्षियों के बारे में जानकारी ली। मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों व स्थानीय जनप्रतिनिधियों से उन्होंने इलाके की भौगोलिक जानकारी, कटाव से विस्थापित परिवारों के पुनर्वास व रोजगार की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्ष में भागलपुर को केंद्र बनाकर मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी देशी व विदेशी पक्षियों की रिंगिंग करेगी। जगतपुर व गंगा प्रसाद धार सहित अन्य इलाके में रिंग लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मौके पर गंगा प्रहरियों की मौजूदगी देखी गई। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया कोविड 19 टीकाकरण को लेकर प्रखंड टास्क फोर्स की बैठक आज। कोविड 19 टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक शनिवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवगछिया के सभागार में होगी। उक्त जानकारी पीएससी प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार ने देते हुए बताया कि बैठक में कोविड 19 के टीकाकरण संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। नवगछिया जिला टीम के 12 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू। शुक्रवार को बीरपुर के रेलवे मैदान पर नौगछिया पुलिस जिला बॉल बैडमिंटन संघ के तत्वाधान में पुरुष टीम का 12 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। यह शिविर 18 से 20 मार्च तक हाजीपुर वैशाली में आयोजित होने वाले 37वीं बिहार राज्य महिला पुरुष बॉल बैडमिंटन प्रतियोगिता में भाग लेगी। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन जिला बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव ज्ञानदेव कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। इस प्रशिक्षण शिविर के प्रशिक्षक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी राहुल कुमार व राकेश कुमार है। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया प्रवेशोत्सव की सफलता को लेकर की गई बैठक। प्रखंड अंगना चौक अंतर्गत सभी प्रधानाध्यापकों सीआरसीसी प्रखंड साधन सेवी के साथ प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। प्रवेश उत्सव को लेकर कई आदेश भी दिए गए। विभाग द्वारा निर्धारित 8 से 20 मार्च के बीच विशेष नामांकन अभियान का आयोजन किया जाएगा, जिसमें और नाम अंकित फिजिक्स या अन्य प्रकार से अभी तक शिक्षा की मुख्य धारा से दूर बच्चों को विद्यालय में नामांकित कराया जाएगा। इस कार्य में शिक्षा विभाग के अलावे समाज कल्याण एवं जीविका की भी मदद ली जाएगी। वहीं बैठक में जीविका से श्रवण कुमार, टोला सेवक, तालीमा मरकज, विद्यालय शिक्षा समिति के कई सदस्य मौजूद थे। नवगछिया पीड़ित परिवार से मिले राजेंद्र यादव, सरकार से की मुआवजे की मांग। नवगछिया के आजाद हिंद मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने पिछले दिनों विक्रमशिला सेतु पहुँच पथ पर सड़क हादसे में मारे गए तुलसीपुर निवासी 45 वर्षीय मजदूर
प्रकाश यादव उर्फ लुखी यादव के परिजनों की सुध शुक्रवार को ली है। श्री यादव ने कहा कि प्रकाश की मौत के बाद उनका पूरा परिवार बेसहारा हो गया है। मृतक मजदूर को 4 पुत्रियां व 2 पुत्र हैं जो भूमिहीन है। प्रकाश अपने परिवार में इकलौते कमाई करने वाले सदस्य। राजेंद्र यादव ने कहा कि प्रकाश के बेसहारा परिवार को मुआवजे की सख्त जरूरत है। उन्होंने इसके लिए स्थानीय प्रशासन और सरकार से 10 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। श्री यादव ने कहा कि जरूरत पड़ी तो बेसहारा परिवार को हक दिलाने के लिए आंदोलन भी किया जाएगा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में लें नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। नवगछिया, रंगरा पीएससी में 110 लोगों को दिया गया कोरोना वैक्सीन। रंगरा पीएससी में शुक्रवार को 110 लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। जानकारी देते हुए रंगरा पीएससी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि विगत 5 दिनों से कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर को दिया जा रहा है। किसी भी तरह की शिकायत नहीं है, जिससे कहा जा सकता है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। नवगछिया में सड़क दुर्घटना में पति पत्नी घायल। नवगछिया थाना क्षेत्र के बाबा विश्व राउत सेतु पथ पर बाइक व बोलेरो की हुई आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मधेपुरा जिले के चौसा थाने के धरारा निवासी दयानंद सिंह व उनकी पत्नी बुलबुल देवी है। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। बताया गया कि पति पत्नी मोटरसाइकिल से भागलपुर जा रहे थे, सेतु पथ पर सामने से आ रही बोलेरो ने ठोकर मार दिया, जिससे पति पत्नी घायल हो गए। दुर्घटना के बाद बोलेरो चालक बोलेरो लेकर मौके से फरार हो गया। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121, AK झा 9472833513। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था। मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। दसवीं बारहवीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BTech, BCA, BBA पॉलिटेक्निक में लें नामांकन। आदर्श थाना के सामने राज कॉम्प्लेक्स नवगछिया। संपर्क सूत्र 8873973680, 8228956905 या रजिस्टर्ड करें mswtbihar.com पर। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया, स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। थाने विवाह भवन 0 mile NS 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारे। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठ कर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632, 9534316464, 8406949533। नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन।